शीर्ष के यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शिल्पा शर्मा। जिस प्रकार से कठुआ जिला में कल मिलिटेंट अटैक देखने को मिला, आतंकी हमला जो कि आर्मी की कॉन्वाई पे हुआ, जिसके नतीजे में 5 जवान जो है उनकी शहादत हो चुकी है, 5 जवान शहीद हो गए हैं, जिसको लेकर आज इस समय आप देखिए बार एसोसिएशन जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर 5 जवान हमने खो दिए, 5 जवानों की शहादत हो चुकी है और 5 जवान जो कि घायल हो गए। जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ आर्मी की कॉन्वाई पर जो है वो आतंकी हमला हुआ, जिसके लेकर आज इस समय आप देखिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा जो है वो इस समय प्रदर्शन किया जा रहा है। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर आपको बता दें कि लगातार जम्मू में इस समय प्रदर्शन जो है प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है और इस समय आप तस्वीरें हाईकोर्ट से देख रहे हैं जहां पर बार एसोसिएशन के द्वारा इस समय जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। कल जिस प्रकार से कठुआ जिला में आतंकी हमला जो है वो देखने को मिला, आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं आर्मी की कॉन्वाई पर जो है वो हमला किया गया, जिसके नतीजे में 5 जवान शहीद हो गए, 5 जवानों की शहादत हो गई और 5 जवान जो है वो घायल हो गए। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए सुनील लोगों से लगा दिया यार, आतंक मोबाइल पीछे कर लो, संबंध बाद में करूंगा। इस मौके पे नीचे करो ना, हमारी पहली जिम्मेवारी आराम से, इस मौके पे हमारी पहली जिम्मेवारी ये है कि माँ भारती के जिन सपूतों ने अपना बलिदान दिया है उनको पुरजोर श्रद्धांजलि दी जाए। और इसीलिए बार एसोसिएशन ने आज ये फैसला लिया कि हमारी भारत माता के वो सपूत, उन वीरांगनाओं के जन्मे हुए वो सपूत जो भारत देश के लिए अपनी जान निछावर कर रहे हैं, बार एसोसिएशन जम्मू उन सब सपूतों के साथ है, कंधे से कंधा मिलाने के लिए साथ है। जहां जरूरत पड़े शहादत की, बार एसोसिएशन का एक एक मेंबर शहादत देने के लिए तैयार है। हमारे फौजियों को, हमारे जवानों को, पूरी सिविल सोसाइटी, पूरा मुल्क पूरी सपोर्ट कर रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जो दहशतगर्दी के स्पॉन्सर्स हैं, स्टेट स्पॉन्सर्स हैं, उनको जब ये पता है कि भारत के साथ आमने सामने की लड़ाई में उनका कोई वजूद नहीं, 2 मिनट नहीं टिक सकते वो हमारी फौज के आगे, तो उन्होंने ये प्रॉक्सी वार का जो सिस्टम स्टार्ट किया जो इतने डिकेड से चल रहा है, वो ये समझ रहे हैं कि भारत के जवान किसी भी मौके पे उनको कमजोर नजर आएंगे, ये उनकी गलती है। भारत के जवान मुस्तैद हैं, हमारी फौज हमेशा तैयार है। पाकिस्तान प्रॉक्सी वार लड़ना चाहे, पाकिस्तान आमने सामने की लड़ाई करना चाहे, भारत जो है वो इस जद्दोजहद में, इस लड़ाई में पूरा इकट्ठा है। इसलिए बार एसोसिएशन ने आज ये जरूरी समझा कि हमारे जवानों को जिन्होंने शहादत दी उनको श्रद्धांजलि भी दी जाए और साथ साथ पाकिस्तान की इस कायराना जो उनकी करतूत है उसको भी पुरजोर मजम्मत की जाए। इसलिए बार एसोसिएशन का विक्रम जी जम्मू को दहलाने का, पहले घाटी में थे, अब जम्मू को भी दहलाने का प्रयास किया, फिर से एक बार आतंकी पूर्ण जीवित हो रहे, भारत सरकार को किस तरह से कदम उठाने होंगे इनको जवाब देने के लिए? देखिए मैं आपका ये वहम दूर कर दूं कि पाकिस्तान की कोई भी साजिश जम्मू कश्मीर या भारत को दहला सकती। पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार हम लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे। अच्छा ये हो कि जो पाकिस्तान के भेजे हुए कायर, जो ये जिनको ये सो कॉल्ड जिहादी बोलते हैं, आतंकवादी जो हैं, ये पाकिस्तान को जाके रिक्वेस्ट करें, गुहार लगाएं कि भाई साहब अगर आप इतने ही ज़्यादा अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप भारत को आमने सामने की लड़ाई में क्यों नहीं लेते? लोग तो ये कहते हैं, हमारी हिस्ट्री कहती है कि हमने 4 जंगें जीत ली, मैं कहता हूँ हमने 5 जंगें जीत ली। भारत ने इनको ओपन चैलेंज दिया था बालाकोट में, इनको घर जाके मारा और पाकिस्तान की आर्मी की हिम्मत नहीं हुई रिटेलिएट करने की। अगर इनमें जरा भी दम हो, ये अगर मर्द के बच्चे हो, ये अगर वाकई में कोई एक स्टेट है जिसकी अपनी कोई वजूद है, कोई डिग्निटी है, तो ये उस वक्त रिएक्ट करते। इनको पता है कि ये कहीं स्टैंड नहीं करते और भारत का मुकाबला करना इनके बस की बात नहीं। दलों के नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान से बातचीत करने के बाद आतंकवाद समाप्त हो सकता है, क्या लगता है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए? देखिए बातचीत का दौर आपने कई दशकों में देखा, बातचीत एक सेकंड चैनल हो सकता है,
लेकिन उनसे क्या बातचीत करोगे जिन्होंने कितने दशक से हमारे यहाँ एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की दुकान खोल रखी है, और किसी बातचीत ने आज तक किसी मरहले पे मैंने नहीं देखा कि उन्होंने यहाँ पर कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया हो जिससे ये टेररिज्म को थोड़ा सा भी उन्होंने थोड़ी देर के लिए भी सॉल्व किया हो। टेररिज्म एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसकी इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है, ये पाकिस्तान की मर्जी या पाकिस्तान की नई मर्जी इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये डिपेंड करेगा कि भारत जो असल में भारत है वो सिर्फ पीओके को नहीं, वो आज पाकिस्तान के बॉर्डर को भी अपने साथ मिलाए एक्सट्रीम तक, और हिंदुस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान तक ले जाए। मैं तो यहां तक कहूंगा पाकिस्तान का नक्शा मिट जाना चाहिए इस ग्लोब से, तभी ये जो है ये टेररिज्म की जो मैंने से खत्म होगी। देखिए सिर्फ डेवलपमेंट से पाकिस्तान नहीं बुखलाया, आपको पता होगा पार्लियामेंट की इलेक्शन 2.5-3 महीने की एक्सरसाइज कंप्लीटली पीसफुल गई, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि घाटी के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस इलेक्शन में, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब लोग पुरजोर अपनी शमूलियत कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन जायज है, और पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन को फ्लॉप करना ये भारत का पहले भी एक दृढ़ निश्चय रहा है, और इस दृढ़ निश्चय में बार एसोसिएशन हमेशा साथ है। सुन चुके हैं जहाँ पर बार एसोसिएशन के द्वारा जो है वो आज प्रदर्शन किया गया, 5 जवानों को जो है वो श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन भी यहाँ पर किया, और तो जिस प्रकार से कल आतंकी हमला कठुआ जिला में देखने को मिला, जैसे आर्मी कॉन्वाई में जो है आर्मी कॉन्वाई पर हमला किया गया, सबसे पहले ग्रेनेड डाला गया और उसके बाद गोलियों बरसात की गई, गोलियां चलाई गई, जिसके नतीजे में 5 जवानों की जो है 5 जवान शहीद हो गए, और इस समय बार एसोसिएशन के द्वारा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, और साथ ही साथ जवानों को, 5 जवानों को, उन वीर जवानों को जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उन्हें जो है श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। कैमरा पर्सन शमी थापर के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।